इतनी चालाक, इतनी शातिर, इतनी इतना दिमाग लाती कहाँ से हो? समझ में नहीं, पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना रही हो, क्या मिलेगा ये सब बेवकूफ़ बनाकर? क्या चाहती हो, व्यूज बटोरना चाहती हो? व्यूज ही बटोरना है तो अच्छे से बटोरो ना, ये क्या नौटंकी पसारे हुई हो। तो नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीदें अच्छे होंगे। जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरती के लिए। आरती का दिमाग इतना तेज है, इतना शातिर है, ये तो हम भी नहीं सोचे थे। बाप रे बाप, इतना दिमाग वाला आती कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से लाती हो इतना दिमाग, बताओ? कितना गुमराह करोगी सबको, कितना गुमराह करोगी? दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो देखकर आप लोग को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मैं कल इसके लिए अच्छा वीडियो बनाई थी, क्योंकि हमें पता नहीं था, पता भी नहीं था, हम इनकी वीडियो देखते भी नहीं थे। वीडियो इनका कब देखे थे? जब छोटू मरा था और जो कांड हुआ था, जब 1.5-2 साल पहले, तभी हमने इनका वीडियो तभी मतलब देखे, तो वो भी मीडिया के जरिए से देखे थे, मीडिया भाई लोग के चैनल पर ही देखे थे। इनका चैनल से हम वीडियो नहीं देखते थे इनका। और गोरखपुरिया भाभी भी इनके सपोर्ट में गाना भी गाई हैं, वीडियो भी बनाई थी, तो उनका भी वीडियो देखे थे, लेकिन इनका वीडियो हम नहीं देखे थे। इनको सब्सक्राइब भी हम करके नहीं रखे थे, लेकिन जब इनके लिए वीडियो आता है किसी दूसरे के चैनल से, तब मैं इनकी वीडियो देखी हूँ। तो इनको ये बता रही हैं कि मोनू हमको बहुत मारता है, बहुत मारता पीटता। जब से इनकी शादी हुई है मोनू से, तब से कोई ऐसा दिन नहीं है कि मोनू इनको मारता ना हो, इनको सताता ना हो। ये खाना के लिए तरसती हैं और डेली इनकी मार पिटाई होती है। घर का सारा काम करती हैं, खेत का काम करती, सब कुछ करती, करने के बाद भी मोनू इनके साथ अत्याचार करता है। तो मुझे लगा कि गलत हो रहा है आरती के साथ में, तब मैंने वीडियो बनाया इनके सपोर्ट में। लेकिन जब दूसरे दिन देखती हूँ एक वीडियो इनका और आया है, ये तुरंत पलटी मार लेती हैं, तुरंत ये पलटी मारती हैं और वीडियो में बोलती हैं कि मेरा ही गलती था, मैं अपने गलती के वजह से ही मैं मार खाई हूँ, मोबाइल तोड़ दी हूँ, मोबाइल दिखा रही हैं, मोबाइल तोड़ दी हूँ, मेरा ही गलती था, उनका कुछ गलती नहीं था। तब बताइए कितनी जल्दी ये पलटी मारती हैं, इन पर भरोसा कौन करेगा? ये भरोसे के काबिल हैं? इनको तो व्यूज से मतलब है। रोना धोना, बदनाम करना, कुछ भी करना, किसी भी हद तक गिर जाओ, बस इनको व्यूज बटोरना है सिर्फ बस। तो ये व्यूज के लिए सारा नाटक कर रही हैं। तो अभी भी सवेरा है, सुधर जाओ, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अभी माँ बाप का घर तो बर्बाद ही कर दियो, बिखर गया पूरा, छोटू इस दुनिया से चला गया, अब बच्चा है मोनू, तो उसके पीछे लगी हो, उसे बदनाम करती हो, लड़की से बात करता है, लड़की का फोन आया था हमने उठा लिया, इसी के लिए मोनू हमको मारा है, हमें खाना नहीं देता, हमें कहीं घुमाने ले जाता है तो हमको मारता है, वहाँ पे घर पे मारता, कोई ऐसा दिन ना हो कि मोनू मारता ना हो। बताइए कितना बदनामी करोगी? इतने लोग का बदनामी करे, पूरा देश समाज में सब गंदा आ गया एकदम, पेट नहीं भरा अभी, अभी पेट नहीं भरा, अभी मोनू बचा है, उसको भी भेज दोगी यहाँ दुनिया से क्या? शर्म कर लो, ए व्यूज के लिए तुम इतना गिर सकती हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने इनके लिए वीडियो बनाया दोस्तों, मुझे दर्द हुआ, इन ये जो चोट दिखा रही थी, कोई इनकी भांजी है, नंद की लड़की है, चोट लगा था तो दाब रही थी, तो मुझे लगा कि आरती के साथ में गलत हो रहा है, तो इसलिए मैंने इनके सपोर्ट में वीडियो बनाया। लेकिन जब इनका वीडियो दूसरे दिन आया, तुरंत ही पलटी मार लेती हैं, तो ये तो सबको बेवकूफ़ बना रही हैं। जब आप ऐसी वीडियो बनाकर डालोगी तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आप जब उल्टा पुल्टा बोलोगी, आप क्या बोल रही हो खुद नहीं पता है, तो गलत कमेंट तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं पब्लिक पूछेगा? बताइए, पब्लिक जब आपको सपोर्ट कर सकती है तो आपसे सवाल नहीं कर सकती? आप सवाल का जवाब दो ना, क्यों ऐसा वीडियो डाली? जब डाल दी हो, रोने धोने वाला दुनिया का, घर का आपसी मैटर था, मियाँ बीबी का कोई भी मैटर था, तो जब डाल दी हो तो पब्लिक सवाल कर रही, तो उसका जवाब दो, पीछे क्यों भाग रही हो? बोल रही हमको गलत कमेंट कर रहे हैं और हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाए? अच्छा करोगी तो अच्छा बनेगा, बुरा करोगी तो बुरा ही बनेगा, क्यों ऐसा करती हो? पब्लिक पागल समझ के रखी हो? पब्लिक पागल है, नहीं समझता कुछ, सब समझते हैं पब्लिक, समझ में आया? ऐसा दिमाग लाती कहाँ से हो?
हमारे ये समझ में नहीं, इतनी से कम उम्र में इतना शातिर दिमाग, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना दिमाग हमने सोचा भी नहीं था कि इतना तेज दिमाग तुम्हारा है। तो यही कहेंगे कि एक माँ का कोख उजड़ गया, एक माँ के लाल चला गया, एक परिवार बिखर गया, बाप जेल में, भाई जेल में, बताइए भाभी को जेल करवा दी, भाई को करवा दी, सबको जेल करवा दी, अभी भी सुकून नहीं मिला है। इतनी तुमको जल्दी थी शादी करने के लिए, 6 महीना भी तुम नहीं रुकी, फटाक से शादी कर ली मोनू के साथ में। अरे साल 6 महीना रुक जाती तब करती शादी, इतनी कोई जल्दी नहीं थी, ना मोनू कहीं भाग जाता और ना तुम कहीं भाग जाती, ठीक। लेकिन तुमको तो बहुत जल्दी था शादी करने के लिए। छोटू के आत्मा को शांति भी नहीं मिला और तुमने फटाक से मोनू से शादी कर लिया। वो भी बेचारा ऊपर से क्या सोच रहा होगा, कैसी लड़की से प्यार किया था कि आज हमको ऊपर भेज दी और हमारे भाई के साथ में रंग रलिया कर रही है। घिन आती है ऐसे ऐसे लड़कियों से, घिन आती है। बताइए दोस्तों, कोई भी लड़की अगर अपने भाई और बाप होते हुए घर में सब कोई हो और रात में अपने बॉयफ्रेंड के बुला करके अय्याशी करे, और कौन से भाई बाप हैं देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। उसको बुलाया गया था छोटू को, तब छोटू आया था। छोटू को अगर ये ना बुलाती तो ना आता। तो दूसरे के लड़के को उनके माँ बाप ने मार दिया, आरती के माँ बाप ने दूसरे के बेटे को मार दिया और इसको छोड़ दिया। अरे उसको छोड़ देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, ये मर जाती ना तो घर बच जाते, घर बच जाते। इसने तो बर्बाद कर दिया, कितने की बद्दुआ लेगी, कितनों की बद्दुआ लेगी तू, इतना घर बर्बाद की रहती। अरे जिद के वजह से कहाँ सब पहुँच गए, जरा सा भी पछतावा नहीं है, शर्म नहीं आ रही है। तेरे जैसे ही अगर समाज में पैदा हो गई ना, हर घर में बेटी, तो कोई बेटी पैदा करना ही छोड़ देगा, बेटी पैदा ही नहीं करेगा तेरे जैसे अगर होंगे तो। घिन आती है, इतना दिमाग, इतना शातिर दिमाग। अरे हम खुद कंफ्यूज हो गए थे इसका वीडियो देख करके, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, हमको बहुत दर्द लगा इसका रुआई देख कर, बहुत दर्द लगा, हमने इसके लिए वीडियो बनाया। लेकिन जब इसकी दूसरी वीडियो आती है, मैं देखती हूँ तो झटका लग गया, अरे ये तो कल कुछ और था, आज कुछ और बोल रही है, कल मोनू को फंसा रही थी, आज अपने आप को गलती दे रही। जब पता है कि तू खुद गलती करती है इसीलिए मार खाती, तो क्यों गलती करती है, और करती भी है तो फिर सोशल मीडिया पे क्यों डालती है, डालेगी तो सवाल पूछेंगे ही, सवाल का जवाब दो। फिर गलत कमेंट आता तो कहती हूँ गलत कमेंट करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, अरे लाज शर्म है ना, तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, और जो जी रहे सुकून से उनको जीने दो, नहीं तो इतनी बद्दुआ लगेगी ना, इतनी बद्दुआ लगेगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी, और बन ही गया है, जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी नर्क बन जाएगा, इसीलिए समय है, सुधर जाओ दोस्तों। तो हमसे भूल हुआ जो हम इनके लिए वीडियो बनाए, हमको मालूम नहीं था, इनका वीडियो मैं देखती भी नहीं थी, लेकिन इसको जब मार पड़ा तो वो वीडियो मैं देखी और मुझे दर्द हुआ, मैं इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई। लेकिन जब इसका दूसरा वीडियो आता है तो उसको भी मैं देखती हूँ, और पुराना वीडियो भी मैं 2-4 देखी हूँ, समझ गए हम कि ये कहाँ की कितनी शातिर दिमाग है। छोटू को भेज दिए, अब मोनू को तैयारी कर रही है, उसको फंसा रही उल्टा सीधा। ऐसे ऐसे अगर समाज में 2-4 हो जाए ना तो समाज ही गंदा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। एकदम बेकार ये है आरती, इसके कुछ भी ना बोले तो ही ठीक है, बाय बाय।